फिर हमारी डॉटर को बैले डांसिंग करा, ओके आप वो करो, 3-4 साल किया बाद में थक गए। हॉलीडेज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटिव्स वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इन लिमिट, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 6 इज एट सम पॉइंट आपको लीडरशिप क्वालिटी, बिल बेट ने सिखाया हमें लीडरशिप क्वालिटी सीखनी पड़ेगी। व्हाट इज अ लीडर, जैसे डॉक्टर बुराज बता रहे थे कि हेल्पिंग आपको सीखना पड़ेगा, कैसे लोगों को हेल्प करना विदाउट एनी गेन, अनकंडीशनली कहते हैं, हम्बल रहना पड़ेगा। डॉक्टर साहब क्राउन है हाँ, मगर हमारे साथ ही खाना खाते हैं, ऐसा नहीं कि वो अलग बैठते हैं हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, आपकी अपलाइन आपको प्रेडिक्ट कर सकेगी, आप जो करने वाले वो करेंगे, आप जहाँ जाने वाले हैं वहाँ जाएंगे, आपकी डाउनलाइन भी आपको प्रेडिक्ट कर सकती है कि आप जो मदद करने वाले वो करेंगे, यू हैव बी प्रेडिक्टेबल। आपकी अपलाइन सोचेगी आप जो स्टैंडिंग ऑर्डर पे हैं वो सीडी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि ले लिया सब्सक्रिप्शन भर दिया तो डायमंड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, उसको सुननी पड़ेगी, उसमें से ग्रास करना पड़ेगा आपको। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रेडिक्टेबल। और एट सम पॉइंट आपको थोड़ा काम करके आगे की पिन पे जाना भी होगा, टू शो योर ग्रुप दैट यू आर मूविंग ऑन इन द बिजनेस, आगे जा रहे हैं आप, 3% to 6%, 6% to 9%, 9 से 12%, 18%, 15%, 18%, ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे जाना ही होगा। टेकिंग चार्ज ऑफ योर बिजनेस, हाँ शुरू में आपकी अपलाइन आपको हेल्प करेगी, बाद में यू शुड बी ऑन योर ओन। अभी आप नए लोग हैं, आपको पता नहीं होगा ये फंक्शन कैसे होता है, कहाँ होता है, कहाँ बैठना, अभी तो आपको मालूम हो गया, नेक्स्ट फंक्शन यू शुड बी ऑन योर ओन। हमने तो पहले फंक्शन हमें पता नहीं था, हम भी एकदम पीछे बैठे थे, पता नहीं था, तो हमने पूछा कि वो आगे बैठे हैं उनकी क्या टिकट है, तो हमें बस लोगों ने बताया कि उनकी भी सेम प्राइस है टिकट की, तो बोला हम क्यों यहाँ बैठे हैं, हमें तो आगे बैठना है क्योंकि हमको तो डायमंड हमारी आंख में देखे वैसे बैठना है। वो जब ही कहे यू कैन डू इट, वो मुझे बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा, मुझे लगता है कि नहीं आपको yeah. मगर आगे बैठने के लिए थोड़ा प्राइस होगा, है कि नहीं, जल्दी उठना पड़ेगा, सुबह में जल्दी आना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट लीडरशिप क्वालिटी, काउंसलिंग रेगुलरली, ब्रिंगिंग बेस्ट आउट ऑफ पीपल, वो भी करना पड़ेगा। देन 7 इज हस्बैंड एंड वाइफ, इफ यू वर्किंग टुगेदर एज ए कपल, आपको मालूम होना चाहिए कि हस्बैंड का क्या रोल है, वाइफ का क्या रोल है। हाँ वो थोड़ी तसल तो होगी क्योंकि आप बोट ड्राइवर हैं अभी बिजनेस में, सब डायमंड की स्टोरी सुनेंगे तो सबका कुछ ना कुछ तो होते रहता है, दैट इज वाई हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि हम और किसी की बीवी से झगड़ा तो नहीं कर सकते, है कि नहीं, और भी किसी की बीवी हमारे घर में तो नहीं रहती है, तो जो रहती है उसके साथ ही करते, है कि नहीं, हम दूसरे की बीवी के लिए तो अच्छी तरह आइए मैम बैठिए, हाँ हमारी बीवी तो बैठो यहाँ, टेक फॉर ग्रांटेड। उसी तरह लेडीज भी ठीक है, सुनिए कहाँ जा रहे हो, थोड़ा रिस्पेक्ट होना चाहिए, ये आपके बेटे के फादर हैं, हस्बैंड भी है मगर एक बेटे के फादर भी हैं। मैं जब भी लता के साथ बात करता हूँ, बिल बिट ने किया कि जब भी आप बात करते हो ना आपकी बीवी के साथ और हस्बैंड के साथ, तो ऐसा सोचो कि भगवान उनके साथ में बैठे हैं, तो किसी तरह बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग टुगेदर। और नंबर 8 इज सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज के बारे में हमें तो पता नहीं था, पीएचडी की तो भी पता नहीं था क्या है सेल्फ इमेज, वो डिक्शनरी में जाके मीनिंग देखना पड़ा कि क्या है, व्हाट इज सेल्फ इमेज, आपको आप खुद को क्या समझते हो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इमेज। ऐसा नहीं कि दूसरे लोग आपको क्या समझते, दैट इज नॉट अ सेल्फ इमेज, आप खुद को क्या समझते हो, दैट इज डॉक्टर
और मिसिज ब्रात ने बहुत सारी चीज़ें बताई, आई मीन वो लोग की तो मास्टरी है उसमें, और आप लोग इतने लकी हैं कि वो आपके अपलाइन हैं, यहाँ ही हैं। हमें तो सीखना पड़ा बहुत सारा कि हु आर यू, आर यू एम्प्लॉई और आप कुछ करने वाले ऐसे आदमी और ऐसे औरत हैं, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, हु आर यू, यू हैव दैट पावर। ऐसा सोचते कि आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना, आप सब कुछ नहीं कर सकते, जो चाहे वो कर सकते हैं। दैट इज हाउ यू शुड थिंक एंड दैट इज वाई यू शुड रिस्पेक्ट यू फर्स्ट। इसीलिए हम खुद को अगर अच्छा समझते हैं तो अच्छों को अच्छी तरह रखना भी चाहिए, है कि नहीं। हाँ, मैं अभी स्टेज के ऊपर आ रहा था तो ये सब पहन के बराबर आईने में देखता हूँ कि कैसा लग रहा हूँ, लोग क्लैप करेंगे कि नहीं। हाँ, रियली यू शुड थिंक योर सेल्फ, हाउ एम आई। जब भी प्लान दिखाते हो तभी होप यू आर स्ट्रांग, कि यू नो व्हाट यू नो, आपको जो पता है वो आपको पता है और आप किसी को और को दे रहे हैं जो आपको पता है अच्छी तरह, है कि नहीं। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। सो ये चीजें, मगर एज यू बिल्ड द बिजनेस तकलीफें तो होगी, बहुत सी तकलीफें होंगी। कई लोग हाँ कहेंगे, कई लोग ना कहेंगे, कई लोग बोलेंगे बाद में, कई लोग ये अच्छा नहीं है, वो है वो है वो है, और कई लोग शुरू भी होंगे और चले जाएंगे। हम सब कुछ, आपके जो स्टोरी है वो हमारी है, और अगर आपकी नहीं हुई तो वो होगी अगर आप डायमंड जा रहे हैं तो, अगर नहीं जाए तो कुछ तकलीफें नहीं होंगी ये बिजनेस में, और लाइफ में तो हो सकती है मगर ये बिजनेस में किसी को नहीं होगी। तो आप तकलीफों के लिए तैयार हैं? हाँ, मगर ये थोड़ा सोल्यूशन है। बिलबिट को हम पूछते थे कि आई नो, वो तो मालूम है, मगर आपने कैसा किया, हाउ डिड यू थिंक। मैं बिलबिट को पूछता था कभी कभी, हम अकेले में बैठते थे तो, कि आप कैसे सोचते हैं जो सोच रहे हो, हमें बताइए। तो उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल किए, तो मैं भी आपको थोड़ा सा बता दे सकता हूँ। देखो, तकलीफें तो आएगी मगर उससे अगर बचना है तो एक चीज याद रखना। अभी हम लोग चंडीगढ़ प्लेन में आए, तो वहाँ से कार में यहाँ आए, फ्राइडे को ड्राइव कर रहे थे, तो हमारे होस्ट सब सतिंदर और बिमल जैन वो लोग कार में थे, तो बोला कि चलो हम कहाँ रुकेंगे, खाना खाएंगे, क्योंकि दोपहर का 12 एक बजे का टाइम था। तो हम लोग खाना खाने गए रेस्ट एरिया पे, और वहाँ से बाहर आए, तो मैं आ रहा था तो एक बच्चा, छोटा बच्चा पानी बेच रहा था, बॉटल, वाटर बॉटल। वहाँ मैंने देखा, वहाँ गाड़ी के लिए खड़े रहे थे सब लोग आए वहाँ तक, तो मुझे एक स्टोरी याद आ गई, तो वो मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ, तो देखो आपको इसका कुछ मिले कि पानी की स्टोरी क्या है। कि एक बार एक किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर एक छोटा बच्चा पानी बेच रहा था, बॉटल, तो वो ट्रेन में गया और कंपार्टमेंट में गया, तो एक बिजनेस मैन जैसे दिखाई देने वाला आदमी बुलाया, हे यहाँ आओ पानी दो। उसने पानी की बोतल दी, तो बिजनेसमैन ने पूछा कितने पैसे, तो उसने बोला, बड़ी बोतल थी पानी की 20 रुपया, तो बोला कि 10 लेंगे। तो जब भी उसने किया कि 10 लेंगे, तो वो छोटा बच्चा हंस के बोतल छीन ली और हंसा और कुछ बोले नहीं, निकल गए और दूसरी कंपार्टमेंट में गए। तो ये जो तमाशा हो रहा था, वो एक सामने एक नानी बैठे थे, उन्होंने सब देखा, और वो देखा कि बच्चे ने ले लिया ऐसे और मुस्कुराते नीचे उतर गए। तो वो नानी सोच रहे थे कि ये बच्चे की मुस्कुराने में कुछ रहस्य है,
ये हंसा क्यों ऐसे, ले लिया और कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं किया, लेके दूसरे कंपार्टमेंट गया। तो वो उनके पीछे गए और बच्चे को रोका और बोला, बच्चे आपने उनको पानी की बोतल दी और उसने प्राइज पूछी और आपने तो कुछ की बोला ही नहीं और ऐसे बोतल ले ली और मुस्कराए और चल दिए, वो क्या है, उसके पीछे क्या रहस्य है? तो वो बच्चा बोला, माँ हम क्या बताएं, आप तो महात्मा हैं। कि वो बोल रहा है कि वो बिजनेसमैन को प्यास लगी नहीं थी, तो बोला वो तुझे कैसे पता चला? हाँ कि प्यास लगी नहीं थी। तो महाराज हंसी से पूछे कि आपको कैसे पता लगा कि उनको प्यास है? बोला कि जो बोतल का रेत पूछता है वो कभी प्यासा नहीं होता है, जिसको प्यास लगी होती है वो पहले पानी पी लेता है, बाद में पूछता है कि कितने पैसे दूं। हाँ, वो कहता है, बच्चा कहता है कि सर मैं महात्मा जी पैसे के पानी के पैसे नहीं होते हैं, पैसे प्यास के होते हैं। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन आपको है कि प्यास किसी को लगी है यहाँ? अगर प्यास लगी है तो आप वाद विवाद नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं कि ये बायोसी क्यों बंद हो गया, वेबसाइट क्यों नहीं चल रही, ये तीन कस्टमर तो कहाँ दिखाई नहीं दे रहे, ये प्रोडक्ट क्यों एक्सपेंसिव है, हमको मिल नहीं रहे, ये इतनी अपलाइन मीटिंग के बोल रहे हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर हमें क्यों सुनना पड़ेगा, मीटिंग में क्यों जाना पड़ेगा। वो जिसको प्यास नहीं वो बहुत वाद विवाद करेंगे, अगर आप वो वाद विवाद में उतर जाएंगे तो आपकी क्रॉस लाइन डायमंड जाएगी, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हमें वाद विवाद, तो आपको वही सोचना होगा, मगर पहले आपको ही खुद को पूछना होगा कि आपको प्यास लगी है। अगर आपको प्यास लगी है तो आप अच्छी तरह सुन के करके जो भी है, जैसे डॉक्टर बराज, हमने उनको पूछा था कि डॉक्टर, हम पेरिस में थे तभी पूछा, डॉक्टर आपको ये जब बायोसी बंद हो गया, ये वेबसाइट नहीं चल रही, उसमें कभी कभी पीवी नहीं दिखा रहे, आपको कुछ मतलब पता नहीं, हम तो क्राउन जा रहे हैं कांति, हम तो क्राउन जा रहे हैं, यू मैडम को पूछो, हम तो क्राउन जा रहे हैं, क्योंकि उनको क्राउन की प्यास लगी है। आपको डायमंड की प्यास लगी है? हाँ, सब लोग नहीं बोल रहे, प्यास लगी है। हाँ, वही है, अगर आपको प्यास लगी है तो आप वाद विवाद नहीं करेंगे। हाँ, तकलीफें होगी, तो बिलबिट ने किया कि वही ये जो है ना, वही सेपरेट करता है जो एमरल्ड है, जो प्लैटिनम है, जो और है, उसमें डायमंड जो है, या एमरल्ड कहाँ है, एमरल्ड बैठे हैं यहाँ, कहाँ है एमरल्ड, लेट मी सी, कैन यू स्टैंड अप ऑल द एमरल्ड, लेट मी सी ऑल द एमरल्ड स्टैंड अप, हाँ, हाउ अबाउट बिग हैंड फॉर ऑल द एमरल्ड, लेट मी सी, हाँ सी, इतने सारे डायमंड जाने वाले हैं, सही कह रहा हूँ? हाँ, यस, प्यास लगी है, यस, सी वही सेपरेट करता है जो, वो थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, प्लैटिनम किए गए, एमरल्ड गए, रूबी गए, सैफायर गए, मगर एमरल्ड से और सब पिन से अगर डायमंड जाना है तो वही डिफरेंस है प्यास कि, जो पैसे हैं ना वो प्यास के हैं, पानी के नहीं है। अगर वो समझ आ गई तो आपको आज से कभी भी नहीं हुई। और ये एंडिंग में वही मैसेज करता हूँ कि आज जब भी आज आप यहाँ मीटिंग में हैं तो आज आप अपना राइट्स, किसी को भी कंप्लेन करने, वो राइट आपका चला गया कि आप कभी भी कंप्लेन नहीं कर सकते कि किसी ने मुझे चांस नहीं दिया, आपको यहाँ चांस मिल गया है।
और अभी आप बाढ़ जाएंगे तभी एक ही राइट्स है आपको कि ये मीटिंग आप जिंदगी भर नहीं बोलेंगे। जब भी आप पानी पियेंगे ना तभी आपको डायमंड याद आएगा। जब भी आप पानी पियेंगे जिंदगी भर नहीं मिलेंगे। जब भी डायमंड रिकग्निशन होगा ना तभी आपको ये पानी की बॉटल याद आएगी कि हमें प्यास लगी है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, डू वी हैव अ पीपल हु आर थर्स्टी? हाँ, प्यासे लोग हैं यहाँ? डायमंड जा रहे हैं? Who wants to go diamond? Let me hear it. Are we ready to go diamond? Am I diamond? Can you say that? I'm a diamond. 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 It's a done deal. It's a done deal. It's a done deal. It's a done deal. Saw you. Thank you.